झुंझुनू शहर के पुराने बस स्टैंड के पास सिटी डिस्पेंसरी लापरवाही के कारण अतिक्रमण की भेंट चढ़ी हुई है। एनआरएचएम के तहत संचालित राजकीय शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र वर्षों से अपनी पहचान ढेले व रेहड़ी संचालकों की मनमर्जी के चलते दबा रखी है। डिस्पेंसरी के मुख्य दरवाजे के सामने ठेले व रेहड़ी संचालकों ने अपनी एसआई दुकानें चला रखी है और जिसके चलते दिन भर आने वाले मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि सिटी डिस्पेंसरी में हेल्थ मैनेजर प्रियंका गुर्जर ने बताया कि अतिक्रमण की शिकायत को लेकर कई बार कलेक्टर को पत्र लिखकर अवगत भी करवाया जा चुका है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उन्होंने ये भी बताया कि अतिक्रमण के चलते इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को स्वास्थ्य केंद्र नजर तक भी नहीं आता है। जो बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है, काफ़ी दिनों से इन लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है यहाँ पे। हमने कलेक्टर साहब को भी एक दो बार लेटर लिखा है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इमरजेंसी में अगर कोई पेशेंट आता है तो उसको सही तरीके से दिख ही नहीं पाता है कि यहाँ पे कोई स्वास्थ्य केंद्र भी है। स्टाफ के द्वारा बहुत बार कोशिश की गई है, लेकिन इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।